ऑलराइट, तो जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया है कि अगर आपकी वाइफ का अफेयर है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए रिलीफ लेने के लिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. इंट्रो. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं आपको पहले बता दूं कि भाई मैं यहाँ पे किसी वुमेन को डिफेम करने के लिए ये वीडियो नहीं प्रोड्यूस कर रहा है कि भाई किसी वुमेन को गलत लगे. ओके, अब ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं, जिसका अफेयर है, आर यू गेटिंग, जिसका अफेयर है, जिसकी वाइफ का अफेयर है उसके लिए है. अब देखो, जिसकी वाइफ का अफेयर है उसको तो पता ही है भाई उस पर क्या बीत रही है, ठीक है. तो उसके चक्कर में अब जो नॉर्मल है वो गलत ना सोचें कि भाई ये क्या क्या बोलते रहते हैं किसी के बारे में, ठीक है. तो जिसके बारे में, जिसके हस्बैंड पे बीती है उसको तो पता है ना, तो उसके लिए ये रिलीफ है. उसको क्या करना चाहिए, उसको सबक सिखाने के लिए. तो सबसे पहला पॉइंट ये कि अगर आपकी कंसेंट से बात बन जाए, यानी कि अगर आपकी सहमति से बात बन जाए, वाइफ बोल दे कि भाई मैं अब नहीं करूँगी ये सब, एंड अगेन आपस में कॉन्ट्रैक्शन बना लेते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है. तो पहला पॉइंट तो यही है कि आप जितना हो सके प्यार से बनाए, यानी कि बन जाए तो बात ठीक है. अगर नहीं बनती है फिर भी जो वाइफ की हरकतें हैं आपको परेशान करती हैं, आपकी फैमिली को भी परेशान करती हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? तो आपके पास ऑप्शन है कि आप डाइवोर्स लीजिए अडल्ट्री के बेस पे. अब आप बोल रहे होंगे कि भाई आपने एक वीडियो बनाई थी कि उसमें डाइवोर्स देते हैं तो हमें मेंटेनेंस देना पड़ता है भले ही वो हमारी वाइफ ना हो. तो देखो, अगर मेंटेनेंस के बारे में हम बात करें तो मेंटेनेंस के ना कुछ रोल होता है. अगर सपोज आपने डाइवोर्स ले लिया, ठीक है, अडल्ट्री के बेस पे, अब सपोज मान के चलो वाइफ मेंटेनेंस अप्लाई करती है, तो मेंटेनेंस का रूल ये है 125 क्लॉज 4. ओके, इसमें ये बोला जाता है कि अगर जो वाइफ है वो किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में है अडल्ट्री के, सो वो मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल नहीं होगी, यानी कि वो हकदार नहीं है मेंटेनेंस लेने के लिए. क्यों? क्योंकि उसका अफेयर है. आर यू गेटिंग? तो उसका अफेयर है तो वो मेंटेनेंस ले ही नहीं पाएगी. तो आप डाइवोर्स अप्लाई कीजिए, हो गया डाइवोर्स. अगर सपोज मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर दिया तो उसको हम ग्राउंड को रिजेक्ट करवा देंगे कोर्ट के थ्रू. क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ सी इज लिविंग इन अडल्ट्री. आर यू गेटिंग? सो प्रॉब्लम सॉल्व. जैसे ही आपका डाइवोर्स होगा आप न्यू मैरिज परफॉर्म कर सकते हो और उसको मेंटेनेंस भी देना ना पड़ेगा. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर.